बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू घर पब्लिशर्स। आवर स्लोगन इज रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्स फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। माय नेम इज असीबी अमीन खान एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस घर स्किल अप मैथमेटिक्स सीरीज ग्रेड 5 एंड द यूनिट इज 5। द टाइटल ऑफ यूनिट 5 इज फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, कि हमें रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं उसको हम फ्रैक्शंस के जरिए में उसको कैसे इजीली रिजॉल्व किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल 1 के थ्रू हमें वो समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं अ स्टॉक गेन्ड 1 होल 3/8 पॉइंट्स ऑन मंडे। मंडे को जो हमने स्टॉक गेन किया वो है 1 होल 3/8 एंड द 2 होल 1/8 पॉइंट्स ऑन ट्यूजडे। और ट्यूजडे को हमने किया 2 होल 1/8 8 points. What was the total gain for 2 days? वो कहता है 2 दिन हमने total कितना हमने gain किया। तो वो देखें total का word हमने पहले भी पढ़ा कि वो addition के लिए use होता है। It means ये आपस में क्या होंगे? समाप होंगे। To find the total gain हम add करेंगे 1 होल 3/8 को plus 2 होल 1/8 को। तो simple कि हम क्या करेंगे? Fractions को हम add up कर देंगे। देखें ये सबसे पहले fractions को add up करेंगे। 4/3 + 1 = 4 denominator में 8 वैसे का वैसे आ गया। फिर हम होल नंबर्स को ऐड अप करेंगे 3, 2 + 1 = 3। तो कलेक्टिवली हमारा आंसर हो गया 3 होल 4/8। अब देखिए हम 4/8 जो है सिंपलीफाई भी हो रहा है, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 होल 1/2। इट मींस द टोटल गेन ऑफ स्टॉक वाज 3 होल 1/2 पॉइंट्स। तो हमने मंडे और ट्यूजडे में कितने पॉइंट हमने स्टॉक गेन किया? 3 होल 1/2। एग्जाम्पल 2 में हमें वो बता रहा है, वो कह रहा है अनस हैड 7/8 meter of belt. उसने 7/8 meter belt लिए। He used 3/8 meter to make a pirate hat. उसने pirate hat बनाने के लिए कितना use कर लिया? 3/8. How much felt was left? कहता बताएं कितना जो हमारा felt है वो कितना बाकी रह गया? To find how much was left, तो अगर आप find करने से कितना बाकी रह गया, we will subtract. क्योंकि हमें पता कि हम left की जो term है हम minus के लिए use करते हैं। तो क्या लिखेंगे? 7/8 - 3/8। तो क्या किया हमने? न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हमारे पास दोनों का सेम है, तो हमने क्या किया? न्यूमिनेटर में से न्यूमिनेटर को सब्ट्रैक्ट किया। तो 7 - 3 किया तो मेरे पास क्या आ गया? 4/8। तो 4/8 आ गया। तो हमने देखा इसका GCF जो है वो हमारे पास क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 4 है। तो हमने क्या किया? इनको दोनों को 4 से डिवाइड कर दिया। तो मेरा सिंप्लीफाई करके आंसर क्या आ गया? 1/2। इट मीन्स दैट देयर वाज 1/2 meter ऑफ फैट लेफ्ट। ह्यूमन नंबर 2 meter फेल्ट बाकी बच गया। इससे हम एग्जाम्पल 3 और 4 भी देख लेंगे। एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में हमें वो कह रहा है कि फ्रॉम अ 7 होल 1/2 feet पीस ऑफ रॉप। वो कहता है कि एक रॉप का जो पीस है वो 7 होल 1/12 है। ना से कट ऑफ 3 होल 5/12, ना से 3 होल 5/12 इसमें कट ऑफ कर लिया है। हाउ मच रॉप वाज लेफ्ट? लेफ्ट मीन्स माइनस। वो कहता है बताएं कितनी रॉप बाकी रह गई है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 उसमें कह रहा है कि देखें हमारी टोटल रोप कितनी है, वह 7 होल 1/12 और यूज कितनी हुई वो है 3 होल 5/12 और बाकी जो लेफ्ट है जो रोप बाकी बच गई है वो कितनी है? हम टोटल में से यूज वाली सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें बाकी मिल जाएगी। तो देखें 12/7 = 84/185/12 - 12/36 = 541/12। तो डिनोमिनेटर सेम आ गया, ऊपर क्या आ जाएगा? 85 - 41। 5 में से 1 गया 4, 8 में से 4 गया 4/12। तो देखें 4 × 4 = 4, 4 × 3 = 12। तो मेरे पास क्या आ गया? 11/3। 11/3 को हम इसी के से डिवाइड करके लिख सकते हैं कि 3 होल 2/3। तो इतना पीस ऑफ इट हमारे पास बाकी बच गया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। एक और इसका क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वो कह रहे हैं बासित बाय सम पीनट्स एंड 2 होल 1/4 kg ऑफ वॉलनट्स। वो कहता है उसने टोटल पीनट्स और होल्स वॉलनट्स कितने खरीदे हैं? 2 होल 1/4। ही बाय 5 होल 1/8 kg ऑफ नट्स। और इसने टोटल जो इन ऑल टोटल जो उसने खरीदा वो 5 होल 1/8 kg है।
वो कह रहे हाउ मैनी के जी ऑफ पीनट्स जस्ट बास्केट बाय, वो कहता बास्केट ने इसमें फिर पीनट्स कितने खरीदे हैं। देखें इसमें सबसे पहले कह रहे हैं जो हमारे पास टोटल उसने जो आइटम्स खरीदी हुई है, क्वेश्चन नंबर फोर है, वो कितनी है 5 whole 1/8 kg, और जो उसने पीनट्स एंड वॉलनट्स जो उसने खरीदे हुए हैं वो कितने हैं 2 whole 1/4 kg। अब पूछो इसमें पीनट्स कितनी है, तो हम क्या करेंगे, हम टोटल में से इसको माइनस कर देंगे जो वॉलनट्स का वेट है, तो हमारे पास पीनट्स बाकी बचेंगी 8 5 40 और 141/8 माइनस 4 8 और 1 9/4। इन दोनों का जब हम लेंगे एलसीएम लेंगे तो वो क्या आएगा 8 आएगा, तो 8 के टेबल पे 8 1 पे ही आता है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 के टेबल पे 8 2 पे आता है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 41/8 माइनस 9 to the 18/4 to the 8। डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो गए, हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो गया, वो हमने 8 वो हमने इधर लिख दिया, ऊपर क्या बचा हमारे पास 41 minus 18। अब देखें 41 में से जब 18 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कह लिए 11 में से 8 गया 9 10 11, 3 यहाँ 3 बचा तो 3 में से बन गया 2, इट मीन्स 23/8। 23/8 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 8 to the 16, 47 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 whole 7/8 के जी, इसमें क्या है पीनट्स हैं जी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, इसी तरीके से हम इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम बाकी क्वेश्चन भी रिजॉल्व कर लेंगे जी। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। गौर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।